ओम चंडिकाए अथ दशमोध्याय अथ धनम ओम उत्तप्त हेमुर्जिनां रविचंद्र महनीनेकं धनुषरितांशिल्पाशशूलं रम्ये भुजे च धर्तीं शिवशक्ति रूपां कामेश्वरीं हृदि ध्यानी हृदेन्दुवेगं। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का अध्ययन चित्र था। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा और पत्नी ये भी तीन उनके नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए। ओम ऋषि उवाच निशुंभम नित्यं दिष्टा गातं प्राण संहितं हन्यमानं बलं जयी शुंभा कृत्वा ब्रवीमद बलावले पातुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युद्धेशे यादिमानि। ऋषि कहते हैं राजी अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, ओ दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानवीय बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत् द्वितीय काममापरा पश्येता दुष्टमेव विशन्त्यो मद्विमुद्यः तथा समस्तास्थादेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देवास्तमो जगो एकैवासी तदाम्बिका। देवी बोली, अरे ओ दुष्ट मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन? देख ये मेरी ही विभूतियाँ हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। देव्योवाच अहं विभूत्या भूभ्यः रूपै लीलाचिता तं संगतं यैकैव दिष्टाम्याह रसलोभ। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य युक्त से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई, उन सब रूपों को मैंने ही समेट लिया है, अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि युवाच तथा प्रगटे युद्धम देव्या संभसितो भयो पश्यताम सर्वदेवानां शरणां चलारम सर्वशैषितैशस्तैः तथास्तैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धभूत भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यास्त्राणि सच्चु मुमुचे यान्यताम्बिका भवञ्जितानि दैत्येन्द्रस् तत्तदे भाग्यप्रीति मुक्तानि तेन्चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भवञ्जलीयै गोप्रुः मुकादुच्चारणादिभिः तथा शस्त्रैः देवी अच्छा वै सुवसुला सापि तत्कुपिता देवी दंष्टिच्छेदकेशुभिः भी छिन्ने धनुषी दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमथादरे चिच्छेद देवी चक्रे तामक्यशिखरैस्तथा तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं जमानवत् अभ्यथावत् तदा देवी दैत्यानाम् अधिकेशः। ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी और शुंभ दोनों ने सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारों अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काटा। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काटा। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा बोल दी। तस्या पतत देवासु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः शितैः बाणैः चञ्चारकराम हताशहासा तथा दैत्य छिन्न धनवारिशार्थिः जग्राह मुकुरम घोरम अम्बिका निधनुद्यतः चिच्छेदा तस्तस्य मुद्रम निष्टैषैः तथापि सो अभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम वेगवान सा मुष्टिं पादयामास हृदये दैत्यमङ्गला देव्यास्तं चापि सा देवी तेलोरस्ताड्या। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए विधो भयंकर मुद्र हाथ में उठा लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्र भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में जोर का मुक्का मारा, तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा लगा दिया। चंडिका उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले से और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तमाशांतम तथो देवी सर्वदैत्य विनेशनम यज्ञां पादयामास दिव्याशुभे वक्षसि सागतासो भवतोऽज्ञां देवी शूलाकृच्छता चारयन् सकां पृथ्वीं साधिरूपां सर्वदां तथा प्रसन्नमकरम अते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमति वा निर्मलं च भवन्नभ। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पंखे उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समुची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया।
आकाश स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। उत्पाद मेघा सोल का ये प्रागा सिस्ते समंदे सहितो मार्ग मायुस्त तथा सिस्त प्रतिपादित ततो देवगणः सर्वे कश्चित् भगवान् सह बभूगुल्हिते तस्मिन् गन्धर्वालोचनो आवादिष्ट हैवान्ये नन्दितुश्चाप्सौनः बभूपुण्याः तथा वार्ता सुप्रभो अभू दिवाकरः यद्वल्लुष्टाकन्या शान्ता शान्ता दिग्गरित्वा इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सारणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुभवतो नाम दशमो अध्याय। पहले से जो उत्पाद सूचक मेघ और उनका पाक होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की जीव आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ भद्र नाम दसवां अध्याय पूर्ण हुआ।